हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। हरियाणा डीलेड एडमिशन 2024 से 26 एडमिशन प्यारे साथियों यहां पर आपके हो चुके हैं स्टार्ट। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को पता है यहां पर एडमिशन फॉर्म आपके 14 अक्टूबर से स्टार्ट हैं और 23 अक्टूबर आपके एडमिशन को लेकर अंतिम तिथि होने वाली है, यानी कि आपको 9 दिनों का समय यहां पर दिया जा रहा है और ऐसे में एक बहुत कम समय साथियों आपके लिए होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी भी साथियों यहाँ पर हरियाणा से डीएलएड करने का इच्छुक है 2024 से 26 के लिए, तो अभी भी आपके पास साथियों 2 दिन का समय है, 12 और 13 अक्टूबर। तो जो भी अभ्यर्थी अभी भी जिसने भी अपनी सीट को बुक नहीं कराया साथियों, तो वो सीट को अपने को बुक करा दे अभी भी। मैं आपको इसलिए बार बार साथियों सीट बुक के लिए इसलिए बार बार आपके लिए कह रहा हूँ कि आप देख लेना साथियों, चाहे आपके 90+% है तो भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगी अगर आप खुद अपना फॉर्म ऑनलाइन भरोगे और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको खुद अपना करोगे तो आपको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आपको पता है साथियों, आप थोड़ा इसमें इसका जो एक प्रकार से जो सीट आवंटित होती हैं उसका थोड़ा आप जो लॉजिक है वो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे उसको। तो ऐसे में अभी भी आपके पास 2 दिन का समय बच रहा है, 13, 12 और 13, 14 से आपका फॉर्म स्टार्ट है। तो जिस भी अभ्यर्थी को अभी भी जेबीटी हरियाणा से साथियों करनी है, लिमिटेड सीटें अभी भी बहुत कम सीटें साथियों हमारे पास बची हुई हैं 24 से 26 के लिए। अध्यापक बनने का सुनहरा अवसर और एक वर्ष अपना बचाने का भी साथियों आपके पास बहुत अच्छा यहां पर शानदार मौका है। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है साथियों, 2 हेल्पलाइन नंबर ये दिए गए हैं आपके, इसलिए एक आपका 8503912680, दूसरा यहाँ पर हरियाणा बीएसटी से एडमिशन भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फीस आसान किस्तों में जमा करा सकते हैं, साल खराब होने से भी आप अपना बचा सकते हैं। यहाँ पर ये साथियों लोकेशन आपके लिए दी गई है जहाँ से आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी कि इनमें से किसी भी स्थान पर आपका एडमिशन करा जाएगा जहाँ भी आप चाहते हो, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, सोनीपत, यमुनानगर या हिसार, जहाँ भी आप चाहते हो साथियों आपका एडमिशन करा दिया जाएगा, ठीक है। और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको एनसीटी से अप्रूव्ड, ये मेरा वादा है साथियों कि आपको एनसीटी से अप्रूव्ड जो कॉलेज हैं, नोटिफिकेशन जो आपका आया है वहां पर जो उसमें कॉलेज लिस्ट दी गई है उन्हीं कॉलेजों में से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का आपके साथ कोई फ्रॉड होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो मैं जैसे अभ्यर्थी कॉल कर रहे हैं साथियों, बातचीत में अभ्यर्थियों से कर रहा हूं, तो ज्यादातर अभ्यर्थियों का एक ही सवाल आ रहा है फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। तो ऐसा साथियों आपके साथ नहीं होगा, आप विश्वास बनाकर रखें, विश्वास करके देखें, और आपको विश्वास नहीं होता साथियों आप अपने संस्थान में आकर मिलें। अपना संस्थान जो है साथियों पालीपुरा सेवर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट में अपना जो ऑफिस है ये है, यहीं पर अपने स्टूडियो पर आप आए, आपका बिल्कुल वेलकम है। अच्छे से बातचीत करें साथियों तब जाकर और आपको थोड़ा अच्छा सा विश्वास हो जाएगा, ओके, ठीक है। सीमित सीटें, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार इस बात का विशेष ध्यान रखना साथियों, ऑल टाइम टॉपर्स ये अपना संस्थान है, ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए दिए गए, इनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथियों यहाँ पर। और ये भी आप देख सकते हैं एडमिशन आपके जो हैं 14 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट आपके हो गए हैं, ठीक है, ओके। 12वीं में आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं, साथ में आपका इंग्लिश भी साथियों आपके पास होना जरूरी है। आज ही अभी भी आपके पास, फिर लास्ट में एक बार जाते जाते कह रहा हूँ साथियों, 2 दिन का समय है, 2 दिन के समय में अभी भी आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अभी तो चलो आपका कम फीस में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे जैसे डेट साथियों बढ़ती जाएगी, दिन निकलते जाएंगे, 23 तारीख नज़दीक आएगी, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको 1,00,000 रुपये तक में भी साथियों आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, और फिर आप वहाँ इतने रुपये देने को भी तैयार हो जाओगे फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी अभी भी अपना एडमिशन लेना चाहता है तो जल्द से जल्द साथियों में से किसी भी नंबर पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना। डॉक्यूमेंट जो लिस्ट आपको है वो मैंने बताई रखी है, बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर है साथियों, यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके डायरेक्ट जानकारी आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिर भी और कोई आपका कमेंट होता है, डाउट होता है, तो आप मैसेज सीधा साथियों डायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।